देखिए, अगर कोई अपने प्रोजेक्ट को लेके सीरियस होता है ना, मूवी प्रोजेक्ट को लेके, तो मैं बात करूँगा सिर्फ सूर्या की। क्योंकि जब भी अपने प्रोजेक्ट को उठाते हैं, स्क्रिप्ट चुनते हैं, कुछ भी मूवी चुनते हैं ना भाई, दिल को छू जाती है। चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे मास मसाला हो, हर मूवी के अंदर ये फाड़ के रख देते हैं, अपनी एक्टिंग से लेके, अपने एक्सप्रेशन से लेके। अगर इनको डायलॉग भी नहीं दिया जाए ना, तब भी अपने हाव भाव से आपका दिल जीत लेंगे। इसी तरह से हमें गंगूबा का ग्लिम्प्स देखने को मिलता है, जो कि ये मूवी 2024 में शुरुआत में रिलीज होगी, खतरनाक उसमें होने वाला है। मगर दोस्तों ये जो ग्लिम्स है ना, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अब ये रिकॉर्ड क्यों तोड़ने वाला है? हमने देखा है कि जब भी साउथ का कोई भी ट्रेलर आता है, टीजर आता है, तो अलग अलग भाषाओं में रिलीज होता है। वैसे तो ये मूवी 10 भाषाओं में रिलीज होगी, तो हर एक भाषा का इनको ट्रेलर निकालना पड़ेगा, जिससे कि व्यूज ना डाइवर्ट हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है, आप उसी ट्रेलर पर जाओगे, ग्लिम्स पर जाओगे, सेटिंग के ऑप्शन में जाओगे ना, तो आपको वहीं पर ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अपनी भाषाओं को चेंज कर सकते हो। ये फीचर्स बहुत पहले आ गया था यूट्यूब का, पर ये पहली बार ट्रैक है इस टीजर या ग्लिम्स के ऊपर। अब इससे हो गया, आपकी जो सारी ऑडियंस है वो एक के ऊपर ही डाइवर्ट हो जाएगी, तो फिर तो रिकॉर्ड टूटने ही है। तो सूर्या का अब 48वां जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के अवसर पर ये क्लिप निकाली गई है और इंटरनेट पर तहलका मचा रखी है। जिस तरह से हमें इनका लुक देखने को मिलता है कि युद्ध के अंदर खड़े हैं, अकेले खड़े हैं, पूरी पीछे सेना को लेके और सब पे वार कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से है कि आप मान लीजिए ये योद्धा है जो कि कभी हार नहीं मानता, और ये मूवी कुछ इस तरह से होने लिए कि ये मूवी पुराने काल के अंदर बेस होगी और आज के टाइम पे भी बेस होगी। यानी आप इस मूवी को आप थोड़ा सा टाइम लैप्स मान सकते हैं। वैसे दोस्तों ये मूवी पूरी युद्ध के ऊपर बेस होने वाली है, इसके 2 पार्ट बनने वाले हैं और इसमें हमें दिशा पटनी भी देखने को मिलेगी। मगर इस 2 मिनट के ग्लिम्स में भाई सब ये बता के जाती है कि हम अब क्या करने वाले हैं। डायरेक्टर तो कह रहे हैं कि हम ऐसी मूवी बना रहे हैं जो कि आपको वो सोचोगे कि यार ये क्या है, इंडियन सिनेमा को बदलने वाली है, क्या ये बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। देखिए जिस तरह से इसका भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो शायद ये तोड़ भी सकती है, क्योंकि इस तरह के जब इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है, ये पहले ग्लिम्प्स निकाला है, इस पर अभी वर्क तो बाकी है, मूवी रिलीज होने में भी टाइम है, वो भी अपने धीरे धीरे काम अपना वर्क सुधार लेंगे। जैसे कि दिखाया गया कि घोड़े हैं, रात का सीन है, आधी रात का सीन है, और इंसान है वहाँ पे, जलता हुए तीर है, जिस तरह से इनको जो ये देखने मजा आता ना, और साथ में पीछे का BGM दोनों अगर मिक्स हो जाए ना, और साथ में सूर्या, तो तहलका और आँख तो मचने वाली है। अब देखिए लोग कितनी भी तारीफ करें तो रोलेक्स को कोई नहीं भूल पाएगा। जिस तरह से उन्होंने 3 घंटे की मूवी को 3 मिनट के अंदर खतरनाक कर दिया ना, हाइप बढ़ा दी ना, बता रहा हूँ भाई साहब ये बंदा ना कुछ अलग ही करके मानेगा। सूर्या का हमें इसके अंदर भयंकर लुक देखने को मिलता है, बड़े बाल है, दाढ़ी है, अलग तरह से अपने गले के अंदर शायद चीते या शेर की किसी के अंगूठी कुछ पहन रखे हैं, और ये आदिवासी लुक के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक ऐसा योद्धा, हार नहीं मानता, पूरी फौज को अपने पीछे रखता और खुद सबसे पहले आगे चलता है। और जिस तरह से युद्ध दिखाया जा रहा है ना, इसको ग्रैंड लेवल पर ले जाना चाहिए, और हम जब थिएटर्स में देखें ना, वैसे तो मूवी 3D में भी रिलीज होगी, तो मजा आना चाहिए। अब देखिए दिशा पटनी का इसमें क्या रोल होने वाला है, मूवी रिलीज होने में भी टाइम है, ये सब अब धीरे धीरे रूमर्स तो निकलते ही रहेंगे। मगर आप कितना भी को सूर्या का जो काम है ना, वो काम ही है भाई साहब। जय भीम देख लीजिए आप इनकी, या और कोई सी मूवी उठा लीजिए, ये अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से प्यार से चुनते हैं, जितनी तारीफ करें उतना कम है। अब देखिए वो इसके अंदर क्या फाड़ कर रहने वाले हैं। ग्लिम्प्स में तो भाई मजा आ गया, देख हमारा दिल तो खुश हो गया। वैसे आपके क्या ओपिनियन है इस सब चीज को लेकर? ग्लिम्प्स देख लिया तो आपको कुछ ओपिनियन होंगे, नीचे कमेंट बताइए, आप भी अपने ओपिनियन रखिए। और ऐसे हमारे और वीडियोज के लिए जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मैं आपको बोल रहा हूँ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आपको वहाँ पर भी अपडेट मिलती रहती है। फिर दोबारा मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।